अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे टिक्का मैक्रोनी, जो बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो जी चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं जो हमें चिकन मैरिनेट करने के लिए रखनी है उसके इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। बोनलेस चिकन ले लीजिए 1 कप, इसको क्यूब्स में कट कर लीजिए। 2 टेबल स्पून चाहिए आप लोगों को वाइट वेनेगर सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। नमक चाहिए आप लोगों को हसबे जायका और ऑरेंज फूड कलर चाहिए आप लोगों को 1 पिंच, 1 चुटकी। अब हम क्या करेंगे, चिकन के अंदर ये सारे के सारे इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर लेंगे और इसको 15 मिनट्स के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। बेसिकली होता क्या है कि जिस रेसिपी में मैरिनेशन होती है उस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला आता है, बहुत मज़े का बनता है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके इसको ऐसे ही फ्राई भी कर सकते हैं। और ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए हैं। मिक्स करने के बाद मैं इसको 15 मिनट्स के लिए रख दूंगी, जब तक हम अपनी मैक्रोनी रेडी कर लेंगे। तो जी अब हम अपने मैक्रोनी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मार्केट में डिफरेंट शेप्स की पास्तास मैक्रोनीज अवेलेबल हैं, आप लोग अपनी मनचाही ले लीजिए 2 कप और उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद उसका पानी स्ट्रेन करके 3 टेबल स्पून ऑयल लगा के रख लीजिए तो ये स्टिक नहीं होंगी। ये मैंने 2 कप मैक्रोनी ली है बॉईल, और आप लोगों को चाहिए 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, वाइट वेनेगर सिरका चाहिए आप लोगों को 1 टेबल स्पून, मेयोनीज चाहिए आप लोगों को गार्निशिंग के लिए, और आप लोगों को टोमेटो केचप चाहिए 1/2 कप यानी 5 टेबल स्पून के करीब। 1 लार्ज साइज़ की प्याज ले लीजिए, उसको क्यूब्स में कट कर लीजिए। 1 लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च ले लीजिए, इसको भी क्यूब्स में कट कर लीजिए। 1 लार्ज साइज़ का टमाटर ले लीजिए, इसका पल्प निकाल के इसको भी क्यूब्स में कट कर लीजिए। नमक लेंगे हसबे जायका और चीनी लेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब 1/2 कप ऑयल लीजिए, इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, वाइट वेनेगर, काली मिर्च का पाउडर और कुटी लाल मिर्च शामिल करके 2 से 3 सेकंड तक इसको मिक्स कर लीजिए। दो से तीन सेकंड के बाद इसके अंदर हम प्याज और शिमला मिर्च भी ऐड कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। अच्छा जी, आप लोगों को इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर भी ऐड करना है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये ऑप्शनल है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, लेकिन अगर आप लोग ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अंदर नमक डाल दीजिए, पाँच मिनट के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 कप पानी। और बॉईल आने तक का वेट करेंगे। अच्छा जी, बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम टमाटर और टोमेटो केचप और जो चीनी थी वो ऐड कर लेंगे और इसको अगेन मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो मैक्रोनी बॉईल रखी हुई थी हमने वो ऐड कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये मिक्स हो रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें सबसे पहले।
तो जी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको ढक के हम छोड़ देंगे फ्लेम ऑफ करके। जब तक हम अपनी चिकन फ्राई कर लेंगे, जब तक ये 10 मिनट तक हम इसको ढक के छोड़ेंगे, जब तक हम अपनी चिकन फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए सिंपल आप लोगों ने ऑयल लेना है, ऑयल में चिकन डाल देनी है और इसको कर लेना है फ्राई। और ये मैरिनेशन कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हो गई थी कि ये बाउल में ही स्टिक हो गई थी। अच्छा जी, इसको मैं कर लूँगी फ्राई। और जी ये फ्राई होने वाली हैं, और जी ये देखिए कि फ्राई हो गई है चिकन। अब मैं इसको निकाल लूँगी। निकाल कर मैं इसको मैक्रोनी में डालकर इसको जस्ट मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको सर्व करती हूँ और वापस आती हूँ। और जी इसको मेयोनीज से गार्निश कीजिए। मुझे मेयोनीज बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसके अंदर मेयोनीज ऐड किया है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं हो तो आप लोग इसके अंदर ऐड मत कीजिएगा, ये ऑप्शनल है। तो जी मज़ेदार टिक्का मैक्रोनी हो गई है रेडी। आप लोग ने अपने घर में इसको लाजमी ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।